प्यारे बच्चों व रहमतुल्लाहि व हो कैसे हो आप तमाम उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है जी माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए मैं आप सबका इल्मे रियाजी के संवेदा एक क्लास के दूसरे वक्फे में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ खुशामदीद मजमून रियाजी जमात हफ्तुम हिस्सा दो सबक नंबर आठ बच्चों तशाकुल सबक में कुल तीन हिस्से किए गए हैं जो आज दूसरे हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आइए बच्चों आज हम तशाकुल और अक्सी तशाकुल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे इस वक्फे के बाद इन नुकात के मुतालिक मालूम हासिल होगी वो कौन से नुकात हैं? यहां पर स्क्रीन पे, पे देखिए तशाकुल और अक्सी तशाकुल की शिनाख्त करना दो आबादी शक्लों का गर्दिशी तशाकुल सौ अस्सी दर्जे एक सौ बीस दर्जे नव्वे दर्जे के गर्दिशी तशाकुल की शिनाख्त करना तशाकुल के जरिए शक्लों पर अमल करना गर्दिशी और अक्सी तशाकुल के जरिए शक्लों पर अमल करना तो बच्चों आइए आज हम पिछले वक्फे का कुछ यादा करते हुए आगे बढ़ते हैं तशाकुल से क्या मुराद है तो आइए सबसे पहले तशाकुल से क्या मुराद है उसके मुताल मालूमात हासिल करते हैं तशाकुल सिमिट्री तशाकुल ज्योमेट्री का एक बहुत ही अहम तस्वुर है जिसका मुजाह कुदरत ने बड़ी फ्राक दिली से किया है बच्चों तकरीबन सरगर्मी हर मैदान में इसका इस्तेमाल होता है खत के लिहाज से मुतवाजन तनासब रखने वाली शक्लों को तशाकुली शक्लें या सिमिट्री फिगर्स कहा जाता है बच्चों तशाकुल से क्या मुराद है इसका क्या है? और एक मरतबा दौरा रहा हूं गौर से समात फरमाएं तशाकुली ज्योमेट्री का एक बहुत ही अहम तस्वुर है और तकरीबन सरगर्मी हर हर मैदान में इसका इस्तेमाल होता है खत के लिहाज से मुतवाजन तनासुब रखने वाली शक्लों को तशाकुली तशाकुल सिमिट्रिकल फिगर्स कहा जाता है आइए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जानदार और गैर जानदार की बेशुमार तस्वीरें तशाकुल का मुजाह करती हैं बच्चों आपने घर से जब निकला है निकलकर मदरसे की तरफ चलते हैं तो आप रस्तों में सड़क में अतराफ व अकनाफ में जानदार और गैर जानदार की बेशुमार तस्वीरी तशाकुल का मुजाहरा करते हैं आइए इसी तरह से अलग अलग मैदान में जैसे आर्टिस्ट पेशावर लोग कपड़ों और जेवरात के डिजाइन बनाने वाले कार बनाने वाले और भी दूसरे बहुत से लोग तशाकुल के तस्वर की मदद लेते हैं शहद की मक्खियों का छत्ता फूल पत्तियां मजहबी अलामतें पायादान और रुमाल हर जगह आप तशाकुल के डिजाइन देखेंगे आइए यहां पे तीन हिस्सों में तशाकुल को बताया जा रहा है पहला जो यहां पे दिखाया गया है कुदरती तौर पर फिर दूसरा इंजीनियरिंग तीसरा आर्किटेक्चर आप देखिए यहाँ पे तीन तस्वीर बताए गए हैं जो तशाकुल की तस्वीर दिखा रही है तो बच्चों इसमें यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ एक खत गुज़र रहा है जो तशाकुल को जाहिर कर रहा है चलिए अब हम फितरत में ऐसी बहुत सी अशिया देखे हैं जो तशाकुली दिखती हैं लेकिन इल्म रियाजी में तशाक़ुल का अपना एक मखसूस तस्वुर है मुतसिल तस्वीर पर गौर करें क्या ये देखने में खूबसूरत नहीं है इसे खूबसूरत बनाने वाला अहम रियाजी नुक्ता कौन सा है बच्चों वही जो आपने कहा ना तशक्कुली वही तशाकुल है तशक्कुली दिखते हैं मगर वही तशाकुल की वजह से ये खूबसूरत नजर आते हैं चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इस तस्वीर के तशाकुली हिस्सों की शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं बच्चों आइए यहाँ स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिखाए जा रहे हैं जो तशाकुली हिस्सों को जाहिर कर रही है गौर से इसका मुशाह करें और घर पर जाकर इसकी मश्क करें चलिए बच्चों यहाँ पे तीन तस्वीर और दिखाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इसको भी गौर से देखिए फिर जाकर जो है ना घर पे इसकी मश्क करें बच्चों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तशाकुली महवर एग्ज ऑफ सिनेट्री इसके मुताल जानकारी हासिल करते हैं कोई खत किसी शक्ल को अगर दो मुशाबा यानी एक हिस्सों में तकसीम करता है कोई खत किसी शक्ल को अगर दो मुशाबा यानी एक हिस्सों में तकसीम करता है तो ऐसी शक्ल तशाकुली शक्ल कहलाती है और ये शक्ल अक्सी तशाकुल रखती है जब इस खत को तशाकुल महबर एग्जिस कहा जाता है बच्चों आपने इसको समझ लिया होगा चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आइए अब हम तशाकुल के अपने तस्वुरा को कुछ और मजबूती देते हैं मंदरजील अशकाल पर गौर कीजिए जिसमें खते तशाकुल नुक्तेदार दार खतूस से दिखाए गए हैं बच्चों इन तस्वीर में गौर कीजिए जो तशाकुली खत है वो नुकते खत से जाहिर किया जा रहा है बच्चों यहाँ पे देखिए जो तशाकुली नुकते खत है जो यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है ये क्या जाहिर कर रहा है तशाकुली खत को जाहिर कर रहा है आगे देखिए मस्कुरा बाला शक्लों में टू हुई लकीरें तशाखुल खतूत या खतूत तशाकुल कहलाती हैं जिन्हें तशाकुली महवरीन कहा जाता है तशाकुल अजसाम को तवाज़न और पुख्तगी अता करता है बच्चों इस चीज को आप याद रखें तशाकुल की जिम्मेदारी क्या है तशाकुल अजसाम को तवाज़न और पुख्तगी अता करता है तो इसी की तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं मुनजिम कसीर के लिए खत तशाकुल लाइंस ऑफ सेमिट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स आप जानते हैं कि जिले बहुत से खत से बनने वाली बंद शक्ल होती है वो कसी जली जो कम खत खत से मिलकर बनते वो मुसलस ट्राइंगल है क्या इससे भी हम कत से मिलाकर आप कोई कसी जिली बना सकते हैं इसके बारे में सोचिए लिहाजा तीन अजला का मुनजम ज़िली मसावी जिला मसल कहलाता है क्या आप चार जिलों का मुनज़म कसी जिली का नाम बता सकते हैं एक मसावी जिली मुसलस मुनज़म होता है क्यों होता है इस पर गौर करेंगे क्योंकि इसके सभी अजला की लंबाई एक सां है और इसके सभी जावियों की पैमाइश भी बराबर है आइए बच्चों इस मुनजम मुसलस के ऊपर हम गौर करेंगे बच्चों यहाँ पे जो मुसलस दिखाया जा रहा है इसके सभी अजला की लंबाई लंबाईस है और साथ जावियों की पैमाइश भी बराबर है देखिए यहाँ पे जाविये साठ दर्जे के तीन जाविये हैं जो यहाँ पे साठों तीनों जाविये मसावी हैं और इन अजला की लंबाई भी यहां पर है गाँगा। गाँगा। से यहां पे देखिए इस मुसलस पर चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मुनजिम कसी अशकाल हैं और इनके खत तशाकुल बहुत दिलचस्प है हर मुनजम कसी जिली के उतने ही खत तशाकुल होते हैं जितने इसके अजला होते हैं बच्चों इस नुकते पर हम गौर करेंगे हर मुनजिम कसी जिली के उतने ही खते तशाकुल होते हैं जितने इसके अजला होते हैं आइए यहां पे तीन खते तशाकुल के ऊपर हम नजर डालते हैं मसावी जिले मुसलस यहां पे गौर से देखिए जितने खते तशाकुल होते हैं उतने ही अजला होते हैं गौर से देखिए इस तस्वीर पर चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अक्सी तशाकुल और आईनेदार यानी आईने में बनने वाला अक्स एक दूसरे से मुंसलीक है अक्सी तशाकुल में किसी जिस्म का नस्फ हिस्सेदार को भी शुमार कर लिया जाता है बच्चों क्या आप जानते हैं हमारे कौमी तिरंगा तशाकुल की बेहतरीन मिसाल है आगे चलिए खत जो किसी शक्ल को दो तशाकुली हिस्सों में तकसीम करता है खत जो किसी शक्ल को दो तशाकुली हिस्सों में तकसीम करता है उसको तशाकुली महवर कहते हैं आगे चलिए बच्चों कुछ सरगर्मी के साथ मकसद को आसान बनाते हैं सरगर्मी नंबर एक अगर हम यहां पे इस सरगर्मी को देखते हैं मोटे कागज पर मुसलस पी क्यू आर इस तरह बनाए कि पी क्यू बराबर पी आर हो जैसा कि नीचे शकल में बताया गया है शक्ल का नस्फ हिस्से का आइनादार हो तो इसे अक्सी तशाकुल या रिफ्लेक्शन सेमिट्री कहा जाता है बच्चों यहां पे इस मुसलस को देखिए मुसलस पी क्यू आर यहां पर जाहिर किया गया है इस पर गौर कीजिए और आगे चलिए अब इस कागज को खते पी एस पर मोड़े खाका जिला पी क्यू पर मुंतबिक हो अब कागज को खोल लीजिए आप पी आर एस को पी क्यू एस का आयनादार पाओगे है ना बच्चों क्या हम इस मुसलस का एक और तशाकुली महवर खींच सकते हैं बताइए जी नहीं मसाविस साकिन मुसलस तशाकुली महवर के लिहाज से अक्सी तशाकुल रखता है यह मुसलस अपनी सिर्फ एक तशाकुली महवर रखता है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर दो शक्ल की तरह एक मुस्तली कागज पी क्यू आर एस लेकर इसे इस तरह मोड़ें कि जिला क्यू आर जिला एस आर से मुंतबिक हो कागज को खोल लीजिए यहां इस कागज मोड़ सरगर्मी में आप कितने खतूत हासिल कर रहे हो बच्चों इस तस्वीर पर गौर कीजिए यहां पे हम पी क्यू आर एस एक मुस्ततील बनाए हैं फिर यहां पे खतों से इसको नासिफ किया जा रहा है तो बच्चों यहां पे एक सवाल किया गया है इस कागज मोड सरगर्मी में आप कितने खतूत हासिल कर रहे हो तो देखिए तस्वीर में हम यहाँ पे कितने खत हासिल कर रहे हैं जी हाँ यहां हम दो खतूत हासिल हो रहे हैं मस्कुरा बाला सरगर्मी हमें बताती है कि मुस्तिल अपनी दो तशाकुली महवर रखता है तो बताइए आप मुस्ततील कितने तशाकुली मेहबर रखता है मुस्ततील यहां पे दो तशाकुली मेहबर रखता है जो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है आइए सरगर्मी नंबर तीन की तरफ नजर दौड़ाते हैं कागज पर एक मसाविल अजला मुसलस बनाकर इसके हर जिले के वस्ती नुक्ते की निशानदेही करते हुए इन नुकात को मुकाबिल रासों से जोड़िए यहां पे एक मुसलस मुसलस मसाविल अजला ए बी सी बनाया गया है अब आइए उनके रासों को मिला दिया जा रहा है यहां पे तस्वीर में देखिए आप जैसे रास बी ई रास एफ सी रास ए डी को मिलाया जा रहा है जिससे वस्ती नुक्ते की निशानदेही हो रही है आइए मुसलस ए बी सी मसाविल अजला मुसलस है मुसलस ए डी बी का आयनादार मुसलस ए डी सी है यहां हम मुशाहिदा करते हैं कि ए डी और बी सी और सी एफ तशाकुली महवरीन है बच्चों यहां पर गौर करने की बात है मुसलस ए बी सी मुसलस मसाविल अजला मुसलस है मुसलस ए डी बी मुसल का आयनादार मुसलस है मुसलस ए डी सी है यहां हम मुशाह करते हैं कि मुसलस मसाविल अजला या तस्वीर को आपने बगौर देखा अब आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर चार कागज पर एक मुरब्बा पी क्यू आर एस बनाकर इसके तशाकुली महवर खींचे यहां शक्ल में खींचे गए तमाम तशाकुली महवरीन खींचे गए तमाम तशाकुली महवरीन में पी आर और एन एल दो तशाकुली महवर हैं बकिया तशाकुली महवरीन के नाम लिखिए मुरब्बे में कितने तशाकुली महवरीन हैं आइए हम यहां पे इस सरगर्मी को करते हैं सरगर्मी में मुरब्बा पी क्यू आर एस को खींचते हैं बच्चों इसके अंदर खत तशाकुल को जाहिर किया जा रहा है देखिए यहां पर जिसको के एम एन एल पी आर एस क्यू एक तशाकुली महवर है आइए मुरब्बे में चार तशाकुली महवरीन है यहाँ दो वितर और मुकाबिल के जिलों के दो उमूदी नासिफ हैं इस तरह इन सरगर्मियों से हमें नतीजा अग्ज कर सकते हैं कि मुख्त शक्लों के लिए तशाकुली महवरीन की तदाद मुख्तलफ है बच्चों आइए अब हम सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे अब आइए एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं जिसको मश्की सरगर्मी कहा जाता है दर्जील शक्लों में खींचे गए नुकते खतूत तशाकुल महवर हो सकते हैं या नहीं बताएं। चलिए पहला सवाल यहाँ पे एक तश, तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इसके अंदर और सवाल नंबर दो यहाँ पर मुसलस की तस्वीर दिखाई जा रही है सवाल नंबर तीन यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इन तस्वीरों में हमें ये महसूस करना है ये खतूत तशाकुल को रखे रखते हैं या नहीं जो यहाँ पे तस्वीर में दिखाई गए हैं नंबर एक जो सवाल है यहाँ पे खुद खतूत हैं मगर ये तश, तशाकुली महवर नहीं रखते देखिए जवाब इसका नहीं है इसी तरह से दूसरे सवाल नंबर पर आइए ये यह यहाँ पे जी हाँ ये तशाकुली महवर रखते हैं नंबर तीन जी हाँ ये नंबर तीन वाला सवाल भी जो है यहां पे भी तशाकुल महवर है इसी तरह से मश्की सरगर्मी आगे बढ़ती है जो सवाल नंबर चार यहां पे दिखाया जा रहा है देखिए इस तस्वीर पर यहां पर भी खत तशाकुल दिखाई दे रहे हैं सवाल नंबर पांच सवाल नंबर छ इस पर गौर कीजिए बच्चों अब हमें यह मालूम करना है यहां पे खत तशाकुल है या नहीं जी हां सवाल नंबर चार पर देखिए यहां पे खत तशाकुल है। सवाल नंबर पांच पे आइए यहां पे खत तशाकुल नहीं है खते तशाकुल महवर नहीं है सवाल नंबर छः वहां पर भी खते तशाकुल महवर नहीं है चलिए मश्की सरगर्मी आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं दर्जा में अंग्रेजी के चंद हरूफ और इनके आयने दार दिए गए हैं इन्हें मुनासिब जोड़ लगाएँ। बच्चों स्क्रीन पे आपको दो ग्रुप बताए जा रहे हैं मशी सरगर्मी दर्ज में अंग्रेजी के चंद हरूफ और इनके आइने दार दिए गए हैं मुनासिब जोड़ लगाएं आप आइए आइनेदार हरूफ तहजी हरूफ तहजी के जैसे डी बी सी ई अब उसका हम आइनेदार की तरफ हरूफ को देखते हैं जैसे बी सी ई डी हरूफ तहजी और आइनेदार को हम जोड़ते हैं जो यहां पे तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है बच्चों इस पर गौर कीजिए आईनेदार और हरूफ तहजी एक मशकी सरगर्मी थी जो मुआद को आसान बनाने के लिए आपको दी गई थी आइए मश्की सरगर्मी मंदरजील अशकाल में आईने का खिता यानी खत तशाकुल नुकते की तरह दिया गया है नुक्तेदार आयना खत में बनने वाले अक्स के लिए हर शक्ल को मुकम्मल कीजिए आप नुकते खत पर एक शिक्षा रखकर इसका अक्स भी देख सकते हैं क्या इन अशकाल जिनको आपने मुकम्मल किया है और इनके नाम लिखिए बच्चों आइए अब हम यहां पे गौर करते हैं ए यहां पे जो है इसका निसफ हिस्सा बताया जा रहा है हम उसको मुकम्मल करते हैं बच्चों ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है खत तशाकुल के साथ ये मुरबा है आइए इसी के साथ साथ मिसाल बी यहां पे जो है इसका आधा हिस्सा आपको दिया गया है खत तशाकुल के साथ हम आपको बता रहे हैं ये मुसलस है आगे की तरफ बढ़ते हैं सी सी में जो आपको यहां पे बता दिया जा रहा है खते तशाकुल के साथ इसकी जो तस्वीर आपको दिखाई गई है ये मुइन है डी जो आपको यहां पे तस्वीर में दिखाया गया है ये जो है मुकम्मल तस्वीर दायरा है जो खत तशाकुल के साथ आपको बताया जा रहा है इसी के साथ सी न सी हो गया अब यहां पे ई के बारे में बता दिया जा रहा है यहां पे खत तशाकुल के साथ जाहिर किया जा रहा है ये मुखमस है आगे देखिए यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है ये मुसदस है आइए बच्चों यहाँ पे ये सरगर्मी मुकम्मल होती है जिसके अंदर आपको आधा हिस्सा दिया गया था और आधा हिस्से के साथ ख़त तशाकुल को जाहिर करते हुए इसका नाम देना था आपने बखूबी इस सरगर्मी को अंजाम दिया अब आगे की तरफ बढ़ते हैं रोटेशन गर्दिश ये क्या है हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी अशिया देखते हैं जो गर्दिश हरकत का मुजाहरा करते रहते हैं मसलन पंखे की पत्तियों की गर्दिश गाड़ियों के पहियों की गर्दिश घड़ी की सुइयों की गर्दिश वगैरह मंदरजा बाला ली गई मिसालों में घड़ी की सुइयों की हरकत की मिसाल को फर्ज कीजिए आपने घड़ी की सुइयों की हरकत देखी है सुइयों की यह हरकत या क्लाक वाइस मूवमेंट कहलाती है जबकि घड़ी की सुइयों की हरकत की मुखाल वाली हरकत को गैर सांटी क्लॉक वाइस मूवमेंट कहा जाता है लिहाजा गर्दिश हरकत दो तरह की होती है कितनी तरह की होती है गर्दिशी हरकत दो तरह की होती है बच्चों आइए सात दार हरकत क्लाक वाइज मोमेंट के बारे और गैर सात दार हरकत एंटी क्लाक वाइज मोमेंट को हम एक यहां पे तस्वीर के साथ देखते हैं शक्ल में बताई गई घड़ी पर गौर कीजिए इसकी दोनों सुयों मरकज पर मौजूद एक मुकर्रा नुक्ते के अतराफ गर्दिश करती हैं इस मुकर्रा नुक्ते को गर्दिश का मरकज सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है बच्चों आइए इस वक्फ़े का आखिरी मरहला घरेलू मश्क है मंदरजा बाला सरगर्मियों के साथ साथ सवाल के जवाब तफसील से लिख कर लाए मैं समझता हूं बच्चों आप तमाम आज के इस वक्फे में काफी मालूम हासिल कर चुके हैं आइंदा वक्फे में इसके आगे का मरहला पेश किया जाएगा शुक्रिया के साथ मैं जनाब मोहम्मद गौस सदर मुदरिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल भंडार कुंटा तालुका और जिला बिदर खुदा हाफिज जय हिंद जय जै कर्नाटका